अपने दास किया पैर रख। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु। हुण मैं माननीय प्रधान साहब नूं बेनती करदा हां कि वो जनरल हाउस की कार्रवाई आरंभ कर। 90/2 पट्टी तो बीबी हरजिंदर मैंबर श्रोमणी कमेटी हलका 38 नंबर 1 का नाम प्रधान जी पेश करता। बीबी जी को जी का प्रधान जी आपके नाम पेश करता। सो जिहड़ा रिजल्ट मैं अनाउंस करन लग्या भाईओ जी और सारे आने सुनने कुल वोटां जिहड़ियां 143 पोल होईआं ने और जिदे विच्चों बिट्टू सिंह कानिक नूं 20 वोटां बीबी जंगीर कौर नूं 122 वोटां। मैं जिथे पातशाह नूं नमस्कार करके फतेह बुलाउनी है सारे फतेह का जवाब फतेह च दिओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाकी अहदेदार एग्जैक्टिव मैंबर की चोट की जाती है अज भी उस परंपरा के अनुसार जी चोन है सलाना मैं बड़ी खुशी है कि जिते सारे मैंबर ने बड़े ही सत्कार के नाल इस चोन नेपरे चाढ़िया और बड़ी सर्वसम्मति के नाल एग्जैक्टिव मैंबर भी चुने गए। मैं ये वास्ते जिते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिन्होंने सारी पार्टी की सलाह नाल और जिन्होंने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की सलाह के नाल मैनू बतौर मुख सेवादार प्रधान होने के नाते इतों उम्मीदवार ऐलाने और मैं खुशी है कि मैंबर ने बहुत सत्कार के नाल वोटा पाई और अज की जी वोटिंग सिस्टम है बड़े ही निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हुई है। मैं जिथे पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर का धन्यवाद करती हूँ सबनों बधाई देनी है उत्थे सारी पंथ की जो चढ़ती कला के नाल अज उन्होंने इस चोन को प्रवान किया। अरदास करांगे कि सच्चे पातशाह ये सारे पंथ की अरदास साडे हिरदे विच प्रवान होवे और गुरु साहब अपने चरणों प्रवान करके साडे उत्ते कृपा करे कि असी सारे वधिया ढंग दे नाल बेहतर ढंग दे नाल इस सेवा नूं नेपरे चाढ़ सकीए। बीबी चैलेंजेस की होणगे क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जी। देखो हर मनुख वास्ते हर स्टैप चैलेंज हुंदा हर चुनौती हुंदी है उहनूं असी बड़ी सूझबूझ दे नाल सारे मैंबर रल के उन्हां चुनौतियों का जिथे पहला भी सामना करती आई श्रोमणी कमेटी उन चुनौतियों नूं असी खत्म करन वास्ते उन्हां नूं असी पूरा करन वास्ते जो असी पूरी सूझबूझ दे नाल काम करांगे। 328 पावन सरूपां दे मामले च जिहड़ा है संगत हाले वी रोश है उह च की कीता जाए। देखो पहला ही ये श्री अकाल तख्त साहब जी जथेदार जी ने सब कुछ दस दिता उहदे बारे क्लीयर कर दिता होया उहदे बारे जो भी सिस्टम दे विच कारवाई चल रही है उहनूं असी नेपरे चाढ़ांगे। बीबी जी राजनीतिक विरोध किया जा रहा है SGPC का अजकल पिछले कुछ समय तो इहदा कौन कारण है ते कौन इहदे पिछे? देखो मेरी बेनती है अज दा समां सिर्फ मैं धन्यवाद ही करदी परमात्मा दा उहदा शुकराना करदी हां संगत दी मैं धन्यवादी हां जिन्हां ने वड्डी सेवा दित्ती है। आपां गाए बगाए बैठ के सारियां गल्लां इह कोई एक दिन दी गल नहीं हैगी सारे बैठ के इहनूं समें समें दे नाल जवाब भी देवांगे और तुहाडी सलाह दे नाल इहनां नूं असीं पूरा भी करांगे नजिठांगे। बीबी जी किसानां दी दिक्कत किसान बहुत वड्डा अफसोस है जी कि जिथे अज सानू खुशी भी हो रही है कि साडी चोन होई है सानू सेवा मिली है पर दुख भी है कि साडे किसान भरा जिहड़े आ सड़कां ते रुल रहे है निक्के निक्के बच्चे साडे साडियां मावां साडियां भैणां साडे नौजवान भरा वो सड़कां ते रुल रहे है और भारत सरकार वल्लों हरियाणा सरकार वल्लों जो तशद्दुद कीता गया जो असह पीड़ा है उहनूं असीं अपने शब्दां नाल नहीं दस सकदे। वाहिगुरू करे कि उहनां दी अरदास कर सकदे धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच कि उहनां दी जिहड़ी मंग है उहनां दी जिहड़ी मुश्किल है वो जल्दी हल हो।